सो हाय फ्रेंड, दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से एग्जाम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आप एक अच्छा रिजल्ट स्कोर कर पाए जेई मेन्स 2023 का सेकेंड अटेम्प्ट, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम बताएंगे आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा निगेटिव कर देते हैं, जिसके कारण उनको रिग्रेट होता है लास्ट में कि क्यों हम निगेटिव किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जब भी आप पे जाए उससे पहले टोटली कोशिश करें कि अच्छे से फील करें, आप पूरा आपका बॉडी टेम्परेचर सही रहे, बॉडी मेंटेन करके जाए, यानी कि किन्हीं को फीवर है, किन्हीं को प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप ट्राई करें कि जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं उससे उसके पहले एक दिन आप अच्छे से स्लीप लें और अपना सारा जो है ध्यान रख के बॉडी का जाएं, क्योंकि माइंड तभी वर्क करेगा सही से जब आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जब भी आप सेंटर पे जाएं उस समय तक बस यही सोचते रहें कि जो भी हम पढ़ के आएं बस उसी से क्वेश्चन आने वाला है, बस उसी को हम सॉल्व करेंगे, बाकी जो भी आएगा उसको हमको नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमको 75 में से 75 सॉल्व करने हैं, बट जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जाना है। तो जब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करें, और उसमें जो क्वेश्चन आपके चैप्टर से हैं, आपके चैप्टर का मतलब जो आप पढ़ के गए हैं उस चैप्टर से, उसको नोट कीजिए एक पेज पे, और जो आपके चैप्टर से नहीं है उसमें आप बिल्कुल भी एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करें, उसको आप स्किप करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। इस तरह से 30 तक आइट्रेट करें जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर से है, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जितना भी सॉल्व होता है ठीक है, जो नहीं होता उसको टिक करके रख लें कि इसको हमको बाद में अटेम्प्ट करना है, रफ पेपर में टिक करके रख लें। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाएं, सेम इसी तरह का प्रोसेस करें, थर्ड में जाएं इसी तरह का प्रोसेस करें। सपोज कीजिए इसके बाद आपको लास्ट में 30 मिनट या 20 मिनट बच गया, उस समय आप जो टिक करके रखें उसको सॉल्व कीजिए और अननेसेसरली टिक मत कीजिए। ऑब्वियसली जब आप 2-4 क्वेश्चन कर पाएंगे सही सही तब तो टिक करेंगे ही, बट सपोज कीजिए आप 40 क्वेश्चन सोच के गए थे कि सही सही करना है क्योंकि हमको 150-160 करना है, अगर आप 35 भी कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, हो सकता है वो पेपर टफ हो और उसमें कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बन जाए। अगर आप निगेटिव करेंगे तो बाद में आपको रिग्रेट होने वाला है। तो यही प्रोसेस है, इसको अप्लाई करना चाहिए। और जो बच्चे का एग्जाम नेक्स्ट है तो आप लास्ट टाइम में ज़्यादा नए चीज़ों पर ध्यान मत दें, जो भी चीज़ आप पढ़ के रखें उसको बार बार कोशिश करें, क्योंकि जो 6 को आ जाएगा या 8 को आ जाएगा ऐसा नहीं कि वही 10 को या 11-12 को आने वाला है। तो इसलिए आप अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके एग्जाम में। और जो भी प्रोसेस हम बताएं इसी तरीके से एग्जाम दीजिए, 2-4 मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा आप हो सकता है 5-10 मार्क्स ज़्यादा निगेटिव कर जाएं। सपोज कीजिए एग्जाम में ऐसा ही माइंड होता है, क्योंकि जब जो भी बच्चे अपेयर होते हैं बस वो सोचते हैं क्वेश्चन कर देते हैं ठीक, अगर आ गया तो 4 मार्क्स आएगा, जाएगा तो 1 मार्क्स, उस तरह से आप 10-15 निगेटिव कर देंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा आपको बाद में। इसलिए आप ध्यान दें कि आपका जो एग्जाम है वो इसी प्रोसेस के थ्रू जाए, जो मैक्सिमम बच्चे जो टॉपर या जो भी अच्छा रिजल्ट स्कोर करते हैं वो इसी तरह का स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं, ताकि वो अपना स्ट्रेंथ पे फोकस कर सके। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन को टिक करते जाएंगे, सारे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करते जाएंगे, टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि जो आप पढ़े नहीं उसमें तो आप बना ही नहीं सकते, अगर बना भी लिए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना, ताकि टाइम भी बचाना एक इंपॉर्टेंट काम है एग्जाम में। तो ये था स्ट्रेटेजी किस तरह से आपको लास्ट टाइम पे पढ़ना है और लास्ट मोमेंट पे माइंडसेट को रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी डेटा के साथ, जो कि कट ऑफ होगा NIT, IIIT, GFTI के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको देख सके। थैंक यू।